Hello everyone, welcome back to my channel again. Now in this lecture I am going to discuss NCERT solution of chapter integration. So let's start with exercise 7.1. See, in question 1 it is already given, find the antiderivative or integral of the following function by method of inspection. Theek hai beta? So see how to proceed. See solution 1. How to solve one solution one? We have to find integration of sine 2x. तो देखो पहले का solution क्या होगा? Sine 2x dx. तो देखो 2x को अगर हम t मानते हैं तो sine t का integration क्या होगा? Cos t. इसको simply क्या रखोगे? Cos t minus का. Sine t का integration क्या होता? Minus cos t. तो minus cos 2x and 2x का derivative आएगा 2. तो 2 को इसे divide कर दो. मैंने बताया था ना कि डेरिवेटिव में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं. तो इसका सीधे आंसर क्या होगा? माइनस कॉस 2x अपॉन 2. ठीक है, तो ये हो गया पहले का सॉल्यूशन. अब देखो दूसरे का सॉल्यूशन क्या होगा. सॉल्यूशन कह रहा है बेटा कॉस 3x, कॉस 3x dx. तो देखो कॉस 3x को मान लो t माइंड में, तो कॉस t का इंटीग्रेशन होता है sin t. तो इसको लिखोगे sin 3x. ठीक है, एंड 3x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 3. तो 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे और आ जाएगा प्लस सी. ठीक है, आई रिपीट अगेन एंड अगेन, हम इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया दूसरे का सॉल्यूशन. तो फर्स्ट टू हमने सॉल्व कर लिया. नाउ अब देखो तीसरे का सॉल्यूशन कैसे होगा. तीसरे क्या है कि e टू द पावर 2x dx है. अब अगेन e का पावर 2x को क्या मान लो? t. 2x को मान लो t. इस 2x को बेटा t assume करोगे, imagine करो, तो e का power t का integration क्या होता है? e का power t होता है. ठीक है, तो e का power t का मतलब e का power 2x and 2x का derivative होगा 2, तो by 2 कर दो plus c. simply हमें क्या करना है कि e का power x का integration का formula लगाना है, फिर 2x का derivative जो आएगा उसको उसे divide कर देंगे. तो 2x का derivative क्या आएगा? 2. तो इसको 2 से divide कर दो. ठीक है, c. अब हम करेंगे question 4. सी क्वेश्चन 4 कैसे करेंगे. देखो सॉल्यूशन ऑफ 4 क्वेश्चन कह रहा है ax plus b का होल स्क्वायर. ठीक है, इनटू dx. तो देखो ax plus b को सिंपली हम मान लेंगे t, माइंड में ही मान लो, इंस्पेक्शन मेथड से करना है. ठीक है, सीधे मान लो t, ax plus b को t मान लिए. ठीक है, तो t का क्यूब t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बोलेंगे t क्यूब बाय 3. तो t क्यूब अपॉन करेंगे 3. अब देखो ax plus b का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो a से इसको डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? 3a plus c. क्लियर हुआ? या देखो अगर बहुत बच्चों को नहीं आता है तो सबसे पहले क्या करें, a plus b का होल स्क्वायर कर दें, फिर वैसे कर लें. देखो a क्यूब ऐसे करोगे, a स्क्वायर, लेट मी करेक्ट, ax plus b का होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2abx. ठीक है, इनटू क्या करोगे बेटा? dx. तो देखो a स्क्वायर x स्क्वायर, तो a स्क्वायर बाहर आ गया. ठीक है, x स्क्वायर dx plus b स्क्वायर अगेन बाहर आ गया, फिर लिखोगे dx plus 2ab बाहर आ गया, x into dx. अब देखो ये a स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 प्लस b स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x प्लस 2ab और x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाय 2. तो ये कट जाएगा प्लस c. तो सिंपली तुम ये लिख सकते हो a स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर x प्लस ab x स्क्वायर प्लस c. ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो. क्लियर हुआ नहीं हुआ? सबसे सिंपल है कि यहीं पे कर दो, बिल्कुल सिंपल वे में हो जाएगा. ठीक है, चलो ये तो हो गया फोर्थ का. अब आ जाओ फिफ्थ के सॉल्यूशन पे. देखो बेटा फिफ्थ क्या है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 5. ये कह रहा है कि साइन 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x. इसको लिखोगे साइन 2x माइनस 4 इंटू ई टू द पावर 3x इंटू dx.
देखो बेटा कैसे करेंगे, तो साइन 2x का 2x को माइंड में मानो t, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस t, तो लिखो माइनस कॉस t, एंड 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, तो बाई कर दो 2 माइनस 4 एज इट इज। अब देखो इसको मान लो t, तो e का पावर t का इंटीग्रेशन होगा e का पावर t, और फिर 3x का डेरिवेटिव आएगा 3, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 6, 7, 8, तो पहले हम करेंगे सॉल्यूशन 6 का। सॉल्यूशन 6 देखो कैसे करेंगे, 4e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू डीएक्स। ठीक है, तो देखो इसको कैसे लिखोगे, आगे ही कर दो, देखो तो 4 बाहर आ जाएगा, e टू द पावर 3x प्लस 1 इंटू डीएक्स। ठीक है, एक मिनट, 4e का पावर 3x, ठीक है, dx प्लस 1 इंटू dx, ऐसे लिखोगे, हमने 4 बाहर ले लिया, e का पावर 3x dx प्लस dx। अब देखो 4 का 4 लिख दिया, e का पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e का पावर 3x अपॉन 3, जैसे डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, 3x को मानो t, e का पावर t का इंटीग्रेशन e का पावर t, एंड 3x का डेरिवेटिव 3 होगा, तो 3 से डिवाइड कर दो प्लस डेरिवेटिव ऑफ dx इज व्हाट x, एंड अगेन आ जाएगा प्लस सी। क्लियर, तो ये हो गया हमारा 6 का आंसर। अब आ जाओ 7 पे, ये है 6 का। अब देखो बेटा सॉल्यूशन 7, सॉल्यूशन 7 क्या कहता है, 7 क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। तो देखो ये एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, अब इसको एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है, तो देखो ये इसे कटा, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का होगा एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये 6 का सोल्यूशन, 7 का सोल्यूशन हो गया। अब आ जाओ 8 के सोल्यूशन पे, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 8, देखो 8 का सॉल्यूशन क्या कहता है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डीएक्स। तो इसको सिंपली देखो, ए बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन होगा बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स, और प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, वेयर के इज एनी कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx। तो देखो बेटा 2x स्क्वायर dx प्लस e टू द पावर x dx, तो 2e x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस e का पावर x का इंटीग्रेशन होगा e का पावर x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब देखो सॉल्यूशन 10, सॉल्यूशन ऑफ 10, तो देखो कैसे करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो देखो इसको हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तोड़ो इसको, ए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा x प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई एक्स माइनस 2ab, तो 2 रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स इंटू dx। अब देखो इसको क्या लिखोगे, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू dx। तो देखो x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा ln x माइनस 2, dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा c। दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, तो ये किसका सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया 10th का। ठीक है, अब एक चीज माइंड में रखना, log हमेशा मॉड में होता है बिकॉज log कांट बी नेगेटिव, तो log मॉड x लिखते हैं। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 10, 11। सी सॉल्यूशन 11,
कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो इसको कैसे करोगे, एक्स क्यूब अब सेपरेट कर दो सबको, तो देखो एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, x आएगा प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा प्लस सॉरी माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर, 4 बाय हमने सेपरेट कर दिया। अब देखो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा प्लस 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 5x होगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन देखो, तो एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स होता है प्लस सी। ये कैसे होगा देखो, यहां पे नोट कर लो, 1 बाई एक्स स्क्वायर था तो dx, तो x जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x का पावर माइनस 2 dx, तो x का पावर माइनस 2 का क्या होगा, x का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 है ना, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो सिंपली इसको क्या लिखोगे, माइनस 1 बाई एक्स। ठीक है, यस yes? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स एंड प्लस सी, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सी सॉल्यूशन 12 हम कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो बेटा ये क्वेश्चन दिया है एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 4 होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो हमें क्या करना है, सबको सेपरेट करना है अलग अलग, ठीक है, क्या करना है सेपरेट करना है, तो एक्स क्यूब बाई एक्स कर दो, पहले देखो स्टेप बाई स्टेप लिखो, एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 3x बाय रूट एक्स, रूट एक्स की बजाय तुम x का पावर 1 बाई 2 लिखोगे तो बेहतर रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी, x का पावर 1 बाई 2, 3x अपॉन x का पावर 1 बाई 2 प्लस 4 अपॉन x का पावर 1 बाई 2, ठीक है, इंटू वॉट डी एक्स। अब आगे बढ़ो, तो देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जब ये x 1 बाई 2 पर जाएगा तो क्या आएगा, 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 टू जा 6, 6 माइनस 1 5 बाई 2, तो x का पावर क्या आ जाएगा, 5 बाई 2 डी एक्स प्लस 3 एक्स का पावर 1 बाई 2 डी एक्स, एक्स अपॉन एक्स पावर 1 बाई 2, एक्स पावर 1 बाई 2 हो जाएगा प्लस 4 एक्स का पावर माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेट कर दो, एक्स का पावर 5 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर 5 बाई 2 प्लस 1 बाई 5 बाई 2 प्लस 1, तो एक्स का पावर 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2 यानी 2 बाई 7 ऐसे लिख दो प्लस 3। अब देखो एक्स पावर 1 बाई 2 का क्या होगा, 1 बाई 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2 यानी 2 बाई 3, ठीक है बेटा, प्लस 4 एक्स पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो एक्स का पावर 1 बाई 2 अपॉन 1 बाई 2 प्लस सी। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 बाई 7 एक्स का पावर 7 बाई 2 प्लस, देखो 3 से 3 गया 2 एक्स का पावर 3 बाई 2 प्लस 8 एक्स का पावर 1 बाई 2 प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्यूशन अब किसका हमें करना है, सॉल्यूशन 13 का करना है, 13 मतलब ये 12 का हमने कर लिया, 13 का करेंगे। देखो ये कह रहा है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो देखो बेटा इसको हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसका फैक्टर कर लो, यहां से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तुम लोगों को, कॉमन लो तो क्या बचेगा x माइनस 1, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x माइनस 1 अपॉन क्या लिखोगे बेटा x माइनस 1, ठीक है इंटू डी एक्स। अब देखो इसको क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बेटा x माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो ये इसे कटा, ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस एक कॉन्स्टेंट आएगा c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलो अब क्वेश्चन 14 देखो, क्वेश्चन 14 देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डीएक्स, यह है क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करो रूट एक्स का 1 में, तो x का पावर 1 बाई 2 लिख देते हैं रूट एक्स को, तो x पावर 1 बाई 2 माइनस एक्स इंटू एक्स पावर 1 बाई 2, एक्स पावर क्या हो जाएगा 3 बाई 2 इंटू डीएक्स। अब देखो x का पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 यानी 2 बाई 3 हो जाएगा, क्लियर। माइनस x का पावर 5 बाई 2 बाई 2 बाई 5, 5 बाई 2 यानी 2 बाई 5 हो जाएगा, प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, सी सॉल्यूशन 15। देखो बेटा ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है 15, देखो कैसे करेंगे। सेम ऐसे ही है, रूट एक्स का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, रूट एक्स को लिखोगे एक्स पावर 1 बाई 2, इसको लिखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx, मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या लिखोगे 3x का पावर 2 प्लस 1 बाई 2 यानी 5 बाई 2 प्लस 2x का पावर 3 बाई 2 प्लस 3x का पावर 1 बाई 2 इंटू वॉट dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो x का पावर 5 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 5 बाई 2 प्लस 1 यानी 7 बाई 2 बाई 7 बाई 2 प्लस 2x का पावर क्या होगा 3 बाई 2 प्लस 1 यानी 5 बाई 2 बाई 5 बाई 2। ठीक है बेटा, प्लस 3x का पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा 1 बाई 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 दैट इज नथिंग बट 6 बाई 7 इंटू एक्स का पावर 7 बाई 2 प्लस 2 टू जो 4, 4 बाई 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 बाई 2 प्लस 2, देखो 3 से 3 कटा 2x का पावर आ जाएगा बेटा 3 बाई 2 प्लस सी। दिस वन इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। ठीक है बेटे, तो आप लोग समझ के करना अच्छे से। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन 16। बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है, देखो 16 का सॉल्यूशन कैसे होगा, 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x इंटू dx। तो देखो इसको कैसे प्रोसीड कैसे करोगे, सबसे पहले देखो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलेंगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो बोलेंगे sin x होता है, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e का पावर x होगा प्लस c। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, ये 2 तो ये 2 गया, तो x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट एक्स को लिखेंगे x का पावर 1 बाई 2 इंटू dx। अब देखो बेटा इसको प्रोसीड करो, तो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस cos x हो जाएगा प्लस 5x का पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन, देखो 1 बाई 2 प्लस 1 यानी 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2। ठीक है ना, प्लस ये अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो लिखोगे 2 बाई 3 एक्स का पावर 3 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस, देखो 5 टू जगह क्या होगा बेटा 10 बाई 3 एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं सॉल्यूशन 18। अब देखो 18 सॉल्यूशन करो, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx, सॉल्यूशन 18 है। ठीक है बेटा, तो देखो इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करो पहले, sec x इंटू sec x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x इंटू dx। अब देखो
इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या होता है, sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x। अगर मान लो भूल गए तो ऐसे सोचो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस, अब देखो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x plus c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, क्लियर। चलो अब 19 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऑफ 19 कैसे करेंगे, सी देखो बेटा, सबसे पहले sec square x अपॉन क्या है cosec square x, तो देखो sec square x को लिखोगे 1 by cos square x, तो 1 by cos square x हो जाएगा, एंड cosec square x को 1 by sin square x, तो sin square x ऊपर जाएगा, ठीक है। sin square x by cos square x that is nothing but tan square x, एंड tan square x को क्या लिखोगे sec square x minus 1, है ना, क्योंकि देखो sec और tan में क्या रिलेशन होता है, sec square x minus tan square x that is equal to 1, तो यहां से बेटा tan square x किसके बराबर लिखोगे sec square x minus 1, ठीक है, इसे मेमोराइज करके रखना, नोट कर लेना, ठीक है। मेक ए नोट, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec square x दैट इज नथिंग बट व्हाट tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। चलो अब 20th क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 20th। सी इन क्वेश्चन 20, ये क्वेश्चन 20 है, तो देखो कैसे करेंगे, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन में क्या है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो इसको सेपरेट करो, 2 बाई क्या लिखोगे cos square x माइनस 3 sin x अपॉन cos square x, को ऐसे लिखो तुम cos x into cos x लिख सकते हो बेटा, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये देखो कैसे फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा, सी केयरफुली। तो ये 1 बाई cos square x sec square x, तो इसको लिखोगे 2 sec square x dx माइनस 3 तो रहेगा ही रहेगा, अब देखो sin भी cos हो गया tan, तो tan x into 1 by cos हो गया sec x into dx, clear। तो देखो tan square sec square x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो 2 tan x minus 3 sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, ठीक है, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है sec x into tan x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x क्या हो जाएगा sec x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 tan x minus 3 sec x plus c, where c is a constant, ठीक है। इन exercise 21 and 22, ठीक है। तो देखो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करो 21 का, देखो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स का x का पावर 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा x का पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 यानी 2 बाई 3 हो जाएगा, प्लस 1 बाई रूट एक्स का 2 रूट एक्स, ठीक है, प्लस c। तो देखो ऐसा इसमें किस में दिख रहा है 2 बाई 3 x का पावर 3 बाई 2 प्लस 2 x का पावर 1 बाई 2 प्लस c, विच इज ओनली एंड ओनली गिवन इन ऑप्शन व्हाट, देखो c में दिया है, बिल्कुल ऐसा ही दिया है, देखो 2 बाई 3 x पावर 3 बाई 2 प्लस 2 x पावर 1 बाई 2 प्लस c, ठीक है। चलो तो इसका आंसर हो गया c। अब 22 क्वेश्चन करते हैं, देखो कह रहा है कि d by dx fx is this, in f of 2 0 है तो fx क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेट अगर करेंगे बेटा, तो अगर मैं कहूं कि इंटीग्रेशन ऑफ fx क्या होगा, तो बोलेंगे ये आएगा, देखो ध्यान से fx का डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन fx रहा होगा, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब माइनस 3 बाय x टू द पावर 4 इज इक्वल इनटू dx, ये किसके बराबर होगा दैट विल बी इक्वल टू fx। अब इसका इंटीग्रेशन करो, देखो तो 4x क्यूब, क्योंकि देखो बेटा अगर fx का डेरिवेटिव ये है
4x क्यूब माइनस 3x का पावर 4, तो इसका इंटीग्रेशन क्या रहा होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या रहा होगा, fx रहा होगा, ठीक है, तो वही मैंने किया है यहाँ पे। अब देखो x क्यूब का इंटीग्रेशन x 4 अपॉन 4 माइनस 3, x का पावर 1 बाय x का पावर 4 है, x पावर 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x का पावर माइनस 4 dx, ये तो fx लिखोगे ही बेटे। अब देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये, तो x का पावर 4 माइनस 3, अब x पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो x पावर माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3 अपॉन माइनस 3, है ना, यस, और एक और आएगा प्लस c भी आएगा, तो देखो c प्लस x का पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 से 3 गया, प्लस 1 बाय x क्यूब, ये किसके बराबर हो गया, fx। अब देखो कह रहा है कि f2 0 है, f2 क्या है, 0 है, तो put x is equal to 2 both side, तो c plus 2 का power 4 plus 1 by 2 का power 3 equal to f2, और f2 क्या हो गया, 0, तो यहां से c की value निकल गई कितनी, 2 का power 4 minus 16 minus 1 by 8, तो 16 into 8 कितना आएगा, 128 minus 1 minus 129 upon 8, ये c की value आ गई, ठीक है। अब लिखेंगे बाय इक्वेशन, अब इसको इक्वेशन स्टार मान लो, तो बाय इक्वेशन स्टार एफ एक्स किसके बराबर है बेटे, तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर 3 प्लस सी, एंड सी की वैल्यू हमने निकाल लिया है कितना, माइनस 129 बाय 8, तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स का पावर माइनस 129 अपॉन 8, तो दिस इज ओनली एंड ओनली गिवन इन ऑप्शन ए, तो 22 का आंसर क्या होगा, ए, ठीक है बेटा। चलो तो एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गया, नाउ लेट्स ट्राई टू